न्यू बोले रे माता राज ना बाप की चतरे और प्यार रहा ना भाई का होके पर्द गुलाब पीर के कर पे राज पहली कली लिखनी चालू करी के घर के छोरों को ब्याह को दो दिन या चार दिन नहीं पे और घर में बंटवारा होना चालू घर के चूल्हे चाखी किस तरह से बंटवारा होना चालू हो जाता सुनो कवि महोदय ने क्या लिखा बताओ पहली कली में जितने मेरे श्रोता भाई आपकी कुर्सी वही ठीक लग रही थी यहाँ तो जनता आएगी नहीं फिर कार्यक्रम डिस्टर्ब होगा नहीं नहीं हमारी बात मानोगे तो बहुत फायदे में रहोगे फिर बाद में कार्यक्रम रोकना पड़ेगा ये जो व्यवस्था आपने बनाई है पीछे कर लो या फिर नीचे आ जाओ कुर्सी छोड़कर अगर सामने बैठना तो और जो जनता आएगी पीछे में देखने नहीं पाएगी चलो जी जैसा आपकी मर्जी आइए इस तरह से दूसरी कली लिखिए क्या बता दिया और हमारे बड़े भाई बड़े ही रामी प्रेमी भाई मनोज जी भाई 100 रुपए का प्यारा आशीर्वाद हमें देते हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गौ माता अपनी कृपा
आप अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखे साथियों। आइए क्या बता दिया अगली कड़ी में, इस बात को देखते हुए कभी महोदय अगली कड़ी लिखिए और क्या समझाया बना। भगवान स्वरूपी जनता जनार्दन बोलना चाहूंगा, रागनी तो समझ में आ रही है जी, एक एक शब्द पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि आपकी तालियां बहुत शक्ति देती है कलाकार को। और साथियों जिस भाई ने तीन कली ना सुनी हो तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन, रागनी की लास्ट कली है और लास्ट कली एक तरफ है पूरी रागनी की। नौजवान साथियों की हालत बता दी कवि महोदय ने कि आज के नौजवान किस किस चीज के शिकार है, किस जाल में जकड़े हैं। साथियों एक एक शब्द सुनने लायक किस तरह से लिख दिया अंतिम कली के माध्यम से। कला कर रे साहब परे हाथ से
जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद साथियों।